हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणित सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन के बारे में। इसके क्लासिफिकेशन में पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल एलिमेंट। फंगल एलिमेंट के आधार पर लाइकेन को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। पहली टाइप होती है एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन का मतलब ये होता है कि लाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट होगा वो एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा। अगर किसी लाइकेन में फंगल कंपोनेंट एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा तो उस टाइप के लाइकेन को हम नाम देंगे एस्कोलाइकेन। इसका एग्जांपल होता है पेल्टाइगेरा। अब जो एस्कोलाइकेन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है जिम्नोकार्पी, दूसरे को कहा जाता है पायरिनोकार्पी। जो जिम्नोकार्पी होती है, एस्कोकार्प जो होता है वो एपोथीसियम होता है। अगर एस्कोकार्प एक एपोथीसियम टाइप का है तो उसको हम कहेंगे जिम्नोकार्पी। दूसरा होता है पायरिनोकार्पी, इसका मतलब होता है एस्कोकार्प जो होगा वो पेरिथीसियम होगा। अगर एस्कोकार्प पेरिथीसियम है तो उसे हम पायरिनोकार्पी कहेंगे। अगर एस्कोकार्प एपोथीसियम है तो उसे हम जिम्नोकार्पी कहेंगे। इसकी दूसरी टाइप होती है जिसका नाम है बेसिडियोलाइकेन। अगर किसी लाइकेन में फंगल कंपोनेंट जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटिस से बिलोंग करता है तो उसको कहा जाता है बेसिडियोलाइकेन। अब जो है, जो बेसिडियोलाइकेन होता है उसको जो है तीन कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहला है कोरा, दूसरा है कोरेला, तीसरा है डिक्टियोनेमा। इसी क्रम में एक तीसरा लाइकेन होता है जिसको ड्यूटेरोलाइकेन कहा जाता है। ड्यूटेरोलाइकेन का मतलब ये होता है कि ऐसा लाइकेन जिसमें फंगल कंपोनेंट जो होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। अगर ड्यूटेरोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा कोई लाइकेन तो उसे ड्यूटेरोलाइकेन के नाम से जानेंगे। इसी क्रम में हमारा अगला बेसिस है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव बॉडी। वेजिटेटिव बॉडी के आधार पर लाइकेन को जो है कुछ पाँच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नाम होता है क्रस्टोस, दूसरा फोलियोज, तीसरा फ्रूटिकोज, चौथा लेप्रोज, पाँचवा फिलामेंटस। क्रस्टोज जो लाइकेन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लाइकेन का और ये क्रस्ट के रूप में पाया जाता है। इस पर जो क्रस्टोज लाइकेन होता है उसकी एनाटमी अगर देखी जाए तो काफ़ी वेरिएबल होते हैं। अर्थात क्रस्टोज लाइकेन लाइकेन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और ये क्रस्टी फॉर्म में किसी भी सरफेस पे पाया जाता है। क्रस्टोज लाइकेन्स आर हाईली वेरिएबल इन देयर एनाटमी। ये आंतरिक रूप से काफ़ी जो है भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी टाइप का नाम है फोलियोज लाइकेन। ये शीट लाइक अपीयरेंस होता है इनका और ये किसी भी जो है चट्टान के रूप में जो सबस्ट्रेटम होता है उससे ये अटैच होते हैं राइजोइड्स के समान आउटग्रोथ की सहायता से, जिसको हम राइजिन के नाम से जानते हैं। अर्थात शीट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है लाइकेन का उसको हम कहते हैं फोलियोज लाइकेन। सामान्य रूप से फोलियोज लाइकेन जो होता है वो राखी सबस्ट्रेटम से राइजिन के द्वारा जो है अटैच होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले लाइकेन को कहते हैं फोलियोज लाइकेन। इसी क्रम में हमारा अगला जो है टाइप होता है जिसका नाम है फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज जो लाइकेन होते हैं ये मच ब्रांचड होते हैं, अर्थात बहुत सारी शाखाएँ निकली हुई होती हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अटैच विद सबस्ट्रेटम विद देयर बेसल एंड। ये अपने जो है आधारीय भाग का जो सिरा होता है उसकी सहायता से किसी भी जो है सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। द थैली शो नो डिफरेंशिएशन इनटू एन अपर एंड लोअर सरफेस। जो फ्रूटिकोज लाइकेन का जो थैलस होता है वो अपर और लोअर सरफेस में कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं करते हैं। चौथा होता है लेप्रोज लाइकेन। ये जो पाउडर के समान होते हैं, अर्थात पाउडर लाइक जो लाइकेन का रूप होता है उसको लेप्रोज कहा जाता है। इसी तरह से पाँचवा है फिलामेंटस। इसमें जो है ऐसा लाइकेन जिसमें जो है फाइकोबियांट इज फिलामेंटस एंड इज कवर्ड बाय फंगल हाइफी। अगर फाइकोबियांट फिलामेंटस हो और वह पूरी तरह ढका हुआ हो कौन सी हाइफी से, फंगल हाइफी से, तो उसे नाम देंगे हम फिलामेंटस। इसी क्रम में क्लासिफिकेशन का हमारा अगला जो है बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटोमी। आंतरिक संरचना को आधार मान के इसको अगर डिवाइड किया जाए तो लाइकेन जो होता है कुल दो श्रेणियों में बढ़ता है। पहला नाम होता है होमो आइसोमेरस, दूसरा नाम होता है हेट्रोमेरस।
होमो आइसोमेरिक कंपोनेंट दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो अगर इस तरह का थैलस होता है किसी भी लाइकेन का तो उसको नाम दिया जाता है होमो आइसोमेरस। इसका एग्जांपल है कोलेमा। इसी क्रम में दूसरा होता है हेट्रोमेरस। अगर अलगल जो सेल्स है वो अलग रीजन्स में हो, फंगल जो सेल है वो अलग रीजन में, अर्थात अलगल और फंगल जो सेल्स हों वो पर्टिकुलर लेयर या एक पर्टिकुलर रीजन्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको कहा जाता है हेट्रोमेरस। इसका एग्जांपल है क्लोडोफोरा प्रोटोकाकस।